खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं आइंडिया। आइंडिया के खास सो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी ने संभाला कार्यभार। भाजपा ने गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को घोषित किया उम्मीदवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 5 वर्षों में बने 35 नए मेडिकल कॉलेज। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए सपा कार्यकर्ता ने लिया कठोर व्रत। तीन नवंबर को होगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के 7 सीटों पर होगा उपचुनाव। सीतापुर में आई चौथी बार बाढ़, उफनाई, घाघरा, शारदा के पानी से 3 दर्जन गांव हुए जलमग्न। नया अध्यादेश, महमूदाबाद पहला प्रमुख के लिए हुआ वरदान, 1 साल के लिए मिला अभयदान। डीएम सीतापुर ने गठित की जांच समिति, 3 संस्थाओं के भुगतान पर लगी रोक। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी समेत सभी प्रांतीय अध्यक्षों ने शनिवार को कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर यूपी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। खाबरी ने कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यभार संभालते ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को गले लगाकर बधाई दी। भाजपा ने गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार घोषित किया है। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसकी अधिकृत घोषणा कर दी गई है। विनय तिवारी वर्ष 2000 में स्वयं और 2006 में पत्नी रेखा तिवारी को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाया, लेकिन हार हुई थी। वर्ष 2012 में परसीमन के बाद बनी 139 गोला विधानसभा सीट पर सपा ने उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित आरोग्य भारती कार्यक्रम में प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 1947 से 2017 तक यानी 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। 2017 से 2022 के बीच 35 नए मेडिकल कॉलेज के साथ एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस के प्रतिवर्ष होने वाली हजारों मौतें कम हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा संरक्षक आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर सपा कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने के
वाराणसी में एक सपा कार्यकर्ता ने कठोर व्रत लिया है। अगले महीने यानी 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा बताए जा रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। खासतौर पर बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों के लिए टिकट का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने होंगे। इसी तरह बिहार में महागठबंधन की एकजुटता बनाम भाजपा की लड़ाई होगी। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के रामपुर मथुरा ब्लॉक के कई गांव तीसरी बार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्राम पंचायत कनरखी के 12 मजरे, अखरी के 3 मजरे, कलुआपुर के 2 मजरे, अगरोरा सहित करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए हैं। लगभग 5,000 की आबादी पानी के बीच फंसी हुई है। घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 20 सेंटीमीटर ऊपर जा पहुंचा है। लगातार पानी बढ़ने से ग्रामीणों को भीषण बाढ़ आने का खतरा सताने लगा है। SDM महमूदाबाद मिथिलेश त्रिपाठी ने प्रभावित गांवों का भ्रमण कर पीड़ितों की समस्याएं सुनी और संपूर्ण मदद का भरोसा भी दिलाया है। बीते दिनों से हो रही बारिश से शुक्रवार की रात ब्लॉक रेवसा के ग्राम सभा वैन सोहलिया ग्राम सभा के लोनियनपुरवा निवासी सियाराम व जगन्नाथ पुत्रगण गजोधर का घर खरफूस व छप्पर था, वो गिर गया है। गनीमत रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ। ग्राम प्रधान धारा सिंह चौहान की सूचना पर मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश से फसलों को नुकसान ही नहीं पहुंचा है, आसियाने भी ढहने लगे हैं। शनिवार को लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम लक्षण नगर निवासी शाबान खां पुत्र शमी खां की बच्ची कोठरी की दीवार भरभराकर गिर जाने से उस समय कोठरियों में 2 बच्चे बैठी थी, दीवार गिरता देख वह भाग खड़ी हुई। शुक्र रहा कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। स्थानीय नागरिकों ने इसकी जानकारी ग्राम प्रधान विवेक शुक्ला को दी है। उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल राहुल यादव को अवगत कराया। तहसीलदार शशिबुन द्विवेदी ने बताया कि स्थलीय निरीक्षण का सहायता राशि दिलाई जाएगी। तहसील बिस्वा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोलक कोडर का मजरा गार्गी पुरवा, परमेश्वर पुरवा, पासिन पुरवा, टपरी, रामलाल पुरवा, चौकी पुरवा आदि गांव में उफनाई घाघरा का पानी पहुंच गया है। कई घरों में घुटनों तक पानी भर जाने से ग्रामीणों ने चारपाई व तखत पर शरण ली है। गार्गी पुरवा के सालीग्राम का घर कटान के मुहाने पर है। पासिन पुरवा के छोटे कल्लू, राम नरेश, सोहन आदि के घर पानी से भर गए हैं। उधर राम नरेश, रामेश्वर, कमलेश, उमेश, दिनेश, संदीप, प्रदीप, सालीग्राम, श्रीकृष्ण आदि के खेतों का तेजी से कटान हो रहा है। खेती के साथ धान की खड़ी फसल भी कटान की भेंट चढ़ रही है। तहसील बिस्वा क्षेत्र में बाढ़ की सूचना के बाद शनिवार को SDM बिस्वा PL मौर्य व तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह ने ग्राम पंचायत गोलक कोडर के प्रभावित मजरों में पहुंचकर स्थितियों की जानकारी ली। SDM तहसीलदार ने गार्गी पुरवा, पासिन पुरवा, लोधन पुरवा और ग्राम मेढ़ी छोलहा का श्रीराम पुरवा आदि का भ्रमण कर पीड़ितों की समस्याएं सुनी। तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह ने बताया कि बाढ़ के दृष्टिगत बाढ़ चौकी मारू बेहड़ पंचायत भवन चहलारी को पूरी तरह क्रियाशील कर दिया गया है। मेडिकल टीमें पहुंची हैं। तहसील में बाढ़ कंट्रोल रूम भी क्रियाशील है। उन्होंने बताया कि कुल 2 ग्राम गोलक कोडर मजरे के मेढ़ी छुलहा की आंशिक आबादी प्रभावित है। प्रभावितों के भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। बाढ़ से गुरगुजपुर, पासिनपुरवा संपर्क मार्ग जंगल टपरी पुलिया और बसंतापुर पुलिया के पास मार्ग बाधित हो गया है। तहसीलदार बिस्वा अभिचल प्रताप सिंह ने बताया कि मार्ग बाधित होने के कारण नाव की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने बताया विगत दिनों आई बाढ़ में जलस्तर की अपेक्षा लगभग 30% कम है, जिससे बाढ़ का प्रभाव भी कम है। बाढ़ क्षेत्र में PAC बल कैंप कर रहा है। ग्रामीणों को सतर्कता, बचाव, जागरूकता, सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। ब्लॉक मछरेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत राला मऊ में अधिकारियों ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ADO पंचायत मछरेटा संदीप कुमार ने पंचायत विभाग की योजनाओं की जानकारी ली।
एडीओ कृषि मुकेश कुमार ने कृषि में मिलने वाले अनुदान के बारे में बताया। ग्राम विकास अधिकारी विनय लोधी ने विकास विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला। चौपाल में आठ शिकायती पत्र प्राप्त हुए। मौके पर बीडीओ मछरेटा ओम प्रकाश सहकारिता से मयंक वाजपेयी, एडीओ समाज कल्याण अमिताभ वर्मा, एडीओ पंचायत संदीप कुमार, तकनीकी सहायक मुन्नी लाल, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रितेश कुमार, प्रतिनिधि अरविंद कुमार, पंचायत सहायक ऋचा शेखर सहित रालामऊ ग्राम पंचायत के ग्रामीण व महिलाएं मौजूद रही। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में ओडीएफ योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों को किसी भी तरह के कार्य में भुगतान पर रोक लगा दी गई है। श्योता विधायक ज्ञान तिवारी द्वारा की गई शिकायत के बाद जिलाधिकारी सीतापुर अनुज सिंह ने मामले में जांच पूर्ण होने तक किसी भी तरह के कार्य हेतु कोई भी भुगतान करने पर पाबंदी लगाई है। प्रकरण में डीएम ने 3 सदस्यीय समिति गठित करते हुए जांच कर पूर्ण कार्यवाही से एक पक्ष में उपलब्ध कराने को कहा है। समिति में सीडीओ अक्षत वर्मा, डीडीओ हरिश्चंद प्रजापति, वरिष्ठ कोषा अधिकारी जानवी मोहन को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मामले में अरुणिमा ट्रेडिंग कंपनी, मौर्या ट्रेडर्स कंपनी, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, मुंशी शिव पूजन, मुंशी उमाशंकर और मुंशी विनय कुमार आदि संस्थाओं व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान न करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत अधिकारी प्रभारी एडीओ पंचायत अभय चंद्र मौर्य आदि पर आरोप है कि उन्होंने ओडीएफ योजना में 69,74,989 रुपए का भ्रष्टाचार किया है। वित्तीय गबन कर धनराशि अपनी पत्नी अरुणिमा व अन्य परिजनों एवं निजी लोगों के नाम पर बनाई गई 4 फर्मों के जरिए भुगतान करा लिया गया है। इस संबंध में श्योता विधायक ज्ञान तिवारी ने 6 अक्टूबर 2022 को सरकारी धनराशि आहरित कर बंदरबांट किए जाने की शिकायत की है। जिलाधिकारी ने संबंधित समस्याओं को ब्लैक लिस्टेड कराकर कृत कार्रवाई सहित आख्या 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। गायत्री परिवार लखनऊ द्वारा आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं कन्या कौशल शिविर युवा सम्मेलन कार्यक्रम में आयोजित दीप महायज्ञ में देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या शामिल हुए। डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने युवाओं से आह्वान किया कि वर्तमान समय को पहचान कर निहित स्वार्थ को छोड़कर महाकाल के कार्य करने के लिए वह आगे आए। दीप यज्ञ का संचालन टोली नायक पंडित श्याम द्विहारी दुबे ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ आईएएस राजेंद्र अनिलेश तिवारी, मेजर वीके खरे, निर्मला पांडे, डॉक्टर सचान, अनिल तिवारी, अरविंद निगम, सुधांशु सिंह, संजय चतुर्वेदी, आशीष त्रिपाठी, ललित दीक्षित सहित गायत्री परिवार के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर बिजान ग्रंट में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 6ठे दिन कथा व्यास दुजेंद्र वाजपेयी ने गोवर्धन पूजा और महारास लीला का वर्णन कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथा पंडाल में मुख्य यजमान मुनिंद्र सिंह तोमर, प्रधान सर्वेश कुमार, रमेश सिंह, बिशन कुमार जामवंत, अखिलेश सिंह, शिवाधार रामानाथ, अनिल सिंह, करण सिंह, सूर्य प्रताप, उदय प्रताप, अजय प्रताप सिंह, प्रख्यात सिंह, अर्णव प्रणव सम्राट सिंह शानवी सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अब स्वच्छ व शीतल जल मिल सकेगा। ग्राम पंचायत महोली प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने कॉलेज में एक वाटर कूलर व प्यूरीफायर की स्थापना कराई है। प्रधान ने बताया कि कस्बे का यह इकलौता इंटर कॉलेज है जहाँ क्षेत्र के करीब 3500 छात्र छात्राएं प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी, अशोक सिंह, आशुतोष भगवती शुक्ला सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास का प्रकाश पर्व 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सिख समाज के एक सरदार कुलवंत सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व पर
शहर के गुरुद्वारे में दीवान सजाकर गुरुवाणी पाठ और शबद कीर्तन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रकाश पर्व पर अटूट लंगर भी चलेगा। रामकोट कस्बे में हरदोई सीतापुर मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों में फंसकर आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार यहां बाइक सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं, फिर भी सड़क मरम्मत की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। कस्बे के रामदीन, शिवराम, मयंक आदि ने सड़क की मरम्मत की मांग की है। लहरपुर नगर की रामलीला मंचन के क्रम में शुक्रवार को भरत मिलाप और राजगद्दी का मंचन वृंदावन से पधारे कलाकारों ने किया। नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में राम और भरत के मिलाप का भावपूर्ण मंचन देख दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए। श्री वृंदावन धाम रासलीला मंडल के कलाकारों को खूब सराहना मिली। श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ उमड़ी। श्री राम का तिलक करने के बाद भव्य आतिशबाजी हुई। श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। ब्लॉक कसवंडा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भिठौली में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। ब्लॉक प्रमुख कसवंडा मुन्नी देवी की अध्यक्षता में जन चौपाल संपन्न हुई। चौपाल में एकमात्र शिकायत आई। इस मौके पर प्रधान भिठौली डॉक्टर बिमल कुमार भार्गव, सहायक विकास अधिकारी कसवंडा पंचायत दिनेश कुमार यादव, ADO ISB शिवप्रकाश दुबे, ADO समाज कल्याण प्रेम चंद्र, JMI अजय खुराना, ADO सहकारिता आशुतोष ध्रुवे, ग्राम पंचायत अधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला, पशुधन प्रसार अधिकारी सोहन कुमार पांडे, प्रभारी CDPO रूपाली वाजपेयी, PPS कृषि विभाग रंजीत कुमार, ATM अनुपम शुक्ला, प्रधान ग्राम पंचायत कल्याणपुर संतोष कुमार भार्गव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत फूलपुर सुशील कुमार भार्गव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मोहतेपुर संदीप कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। थाना कमलापुर परिसर में समाधान दिवस उपजिलाधिकारी सिधौली अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समाधान दिवस में राजस्व से संबंधित 5 पुलिस विभाग से संबंधित 1 शिकायत आई। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर राजकरण शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक शिवप्रसाद पांडे, उप निरीक्षक सुरेंद्र बहादुर सिंह, मोहम्मद खालिद, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी मास्टर बाग शिव बहादुर सिंह, कस्बा इंचार्ज कमलापुर अवधेश कुमार सिंह, महिला आरक्षी साधना सिंह, मधु सिंह, अर्चना पासवान, आरती राघव, आरक्षी साजन कुमार, आनंदेश यादव, आकाश बाबू, राजस्व निरीक्षक विनोद कुमार तिवारी, लेखपाल पवन राय, ममता सिंह, शशांक मिश्रा, अभिषेक दीक्षित, चंद्रपाल आदि मौजूद रहे। पशु सेवा समिति के सदस्यों ने शनिवार को नाले में गिर गई एक गाय को निकालकर जीवन दान दिया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय सेठ ने बताया कि उन्हें शहर के आकाश अग्रवाल ने जानकारी दी थी कि लालबाग के निकट एक गाय नाले में गिर गई है। जानकारी होने पर समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सभी के प्रयास से नाले में गिरी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राष्ट्रीय आयम छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदन में सीतापुर प्रदेश में दूसरे और लखनऊ मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रदेश से जारी सूची के अनुसार जिले से कुल 5,265 आवेदन किए गए थे, जिसमें 5,000 आवेदन का आंकड़ा पार करने वाले प्रदेश के 2 ही जनपद हैं। जौनपुर से 6,347 आवेदन हुए, जो प्रथम स्थान पर रहा, जबकि सीतापुर से 5,265 आवेदन हुए हैं। विगत वर्ष जनपद के आवंटित 359 सीटों के सापेक्ष मात्र 210 आवेदन हुए थे। विगत वर्ष की अपेक्षा इस बार आवेदन में काफी उछाल आया है। BSA अजीत कुमार ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, जनपदीय व ब्लॉक कोर्ट टीम सहित ERP व SPRP टीम एवं शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डायट प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवान ने बधाई देते हुए बच्चों को तैयारी कराने का संदेश दिया। जनपद की इस उपलब्धि पर शिक्षकों में हर्ष है। इसकी परीक्षा 6 नवम्बर 2022 को प्रस्तावित है। इस परीक्षा में सफल होने वालों को 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने तक प्रत्येक महीना 1,000 रुपये व 4 वर्ष में 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जिन 10 जनपदों में सर्वाधिक फॉर्म भरे गए हैं, उनमें जौनपुर में 6,347, सीतापुर में 5,265, पीलीभीत
4,802, वाराणसी 4,511, अयोध्या 4,218, अंबेडकर नगर 4,175, गाजीपुर 3,871, गोरखपुर 3,847, शाहजहांपुर 3,653 और अमेठी 3,620 शामिल है। महमूदाबाद मुकेश वर्मा और पहला ब्लॉक प्रमुख अजय यादव को एक साल के लिए अभयदान मिल गया है। नया अध्यादेश उनके लिए वरदान साबित हुआ है। बता दें कि पहला में 18 अक्टूबर, महमूदाबाद में 20 अक्टूबर को बैठक डीएम अनुज सिंह ने तय की थी, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव की तिथि के बाद नया अध्यादेश आने के बाद डीएम ने यह आदेश जारी किया है। आदेश को लेकर अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा की गई थी कि तिथियों को निरस्त कर दिया जाए। लखनऊ से बरेली जाते समय राजस्व विभाग के मंत्री अनूप प्रधान का कमलापुर नहर चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कमलापुर अमर वाजपेयी, कल्लू सिंह, अभय सिंह चौहान, सतीश मिश्रा, सनी अवस्थी, प्रदीप तिवारी, संदीप शुक्ला, अजय शर्मा, प्रताप यादव, शीतला श्रीवास्तव, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलापुर अरविंद पांडे, आशुतोष मिश्रा, श्रीकृष्ण गुप्ता, निर्मल राजवंशी, सेक्टर संयोजक अरविंद तिवारी के साथ अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन सीतापुर में पति पत्नी से संबंधित पारिवारिक विवादों को प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र एवं काउंसलर के द्वारा शिकायतकर्ता व विपक्षी गणों को सुनकर काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान दो जोड़े आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ रहने को राजी हो गए। पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के पर्यवेक्षण में शनिवार को अंजू पत्नी नीरज निवासी सदना सीतापुर व मोहनी पत्नी शुभम निवासी कोतवाली सदर लखीमपुर आपसी मतभेद दूर कर एक साथ रहने को राजी हो गए। परिवार परामर्श केंद्र द्वारा दोनों जोड़ों की विदाई कराई गई। काउंसलिंग के दौरान प्रभारी महिला थाना उपनिरीक्षक पूजा यादव, काउंसलर मांडवी मिश्रा, महिला आरक्षी मंजीता, नीतू, कुसुमलता व ऊषा आदि मौजूद रही। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर।